इन्होंने हमारे मूल अधिकारों का हनन किया। इनको मंदिर मस्जिद का याद जब चुनाव आता तभी आती है। सरकार की कमी की वजह से हम लोगों को एक साल से एक आंदोलन करना पड़ा। नमस्कार, नेडरिक न्यूज पंजाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। किसान आंदोलन को एक साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं और 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान करते हैं। उसके बाद लोकसभा में 3 कृषि कानून रद्द हो जाता है और जो देश के राष्ट्रपति हैं उनकी मुहर भी लग जाती है, लेकिन किसान अब भी सारे बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। हमारे साथ एक किसान हैं, आप देख सकते हैं, पाजी हैं। पाजी, आपका नाम? सुखदेव सिंह। सुखदेव जी, आप यहाँ एक साल से डटे हुए हैं, 3 कृषि कानून वापस भी ले लिया है मोदी सरकार के द्वारा, लेकिन आप लोग अब भी डटे हुए हैं, आगे की क्या मांगे हैं? आप लोग क्यों डटे हुए हैं? सबसे पहले तो हमारा नाम सुखदेव सिंह है। हम टिकैत गुट के संगठन मंत्री हैं, तराई क्षेत्र के, और शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के हम रहने वाले हैं। उसके बाद में जो आपने ये बात की है कि सबसे मेन मांग जो है वो तो हमारी छूट गई है, हमें MSP पे गारंटी चाहिए। शुरू से ही हम MSP पे गारंटी मांग रहे हैं। हमें खाली MSP नहीं चाहिए, हमें उस पर गारंटी चाहिए, उसको अलाउ भी किया जाए। जब तक हमारी फसल ना बिके हम खाली MSP का क्या करेंगे, हमें उस पर गारंटी चाहिए। हमारा गेहूं, धान, सभी फसलें जितनियां भी है, गन्ना, उड़द, दलहन, तिलहन, सब कुछ हमारा MSP बिकना चाहिए। हमारी वही मेन मांग है। सरकार लगातार, सरकार के जो मंत्री हैं, जो सरकार के और भी जो विधायक वगैरह हैं या जो प्रवक्ता हैं, वो लगातार किसान को खालिस्तानी, आतंकवादी बताते रहे हैं। मवाली तक भी कहा एक सांसद ने। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आंदोलन करना, या कोई भी आंदोलन करता है, किसी भी कौम का आदमी हो, किसी की कौम के रहनुमाई हो, क्या आंदोलन करना इस सरकार को भारी पड़ जाता है? ऐसा है, इन्होंने हमारे मूलक अधिकारों का हनन किया, तभी तो इनको 3 कानून वापस करने पड़े। और आप भी हमारे मूलक अधिकारों का हनन कर रहा है। सरकार की कमी की वजह से हम लोगों को एक साल से एक आंदोलन करना पड़ा। उसमें हमारे तकरीबन 700 किसान शहीद हो गए। अब वो जिम्मेवारी किसकी बनती है कि उनको मुआवजा, उनके बच्चों को एक नौकरी देना भी सरकार की जिम्मेवारी है। इनकी गलती की वजह से हमारे किसान शहीद हुए हैं। उसके बाद में हमने आंदोलन किया, और हरियाणा में तो काफी ज्यादा मुकदमे किसानों के ऊपर लिखे गए, पंजाब में भी लिखे गए। अगर ये उसी दिन कानून वापस ले लेता तो मुकदमों की नौबत नहीं आती, हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। कमियां इनकियां हैं, इनकी कमियों से जो समस्याएं पैदा हुई हैं तो उनको ये सुधारे। हमारी जब उन्होंने कृषि कानून रद्द करने का ऐलान किया था, उन्होंने तब भी कहा था कि हम मुट्ठी भर किसान को या कुछ किसान को हम समझा नहीं पाए। तो यही बात है कि अब आप ही बताएं कि ये मुट्ठी भर किसान आपको दिखाई दे रहे हैं। भाई, यहाँ हमारा गाजीपुर बॉर्डर है, शाहजहांपुर बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, सब बॉर्डरों पे लाखों किसान बैठा हुआ जिसको मुट्ठी भर दिखाई दे रहे हैं कि क्या मुट्ठी भर लोगों ने इनको वोट दिया था, ये प्रधानमंत्री बन गए। ये खाली जुमलेबाज है, बिल्कुल गलत प्रचार प्रसार कर रहा है। अगर मुट्ठी भर थे तो इसने कानून वापस क्यों लिए? अगर उसके हक में ज्यादा किसान थे तो कानून वापस क्यों लिए इसने? ये फिर भी झूठ बोल रहा। आप समझे कि जो झूठ बोल रहा है कि मुट्ठी भर किसान है तो वापस क्यों लिए? वो अब अगर मुट्ठी भर की मांग है तो इसको परेशानी क्या है? अगर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो हमारा मूलक अधिकारों का इसने हनन किया है, तो हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। जी, खबर ये भी आ रही है कि जो पंजाब के किसान हैं वो आंदोलन छोड़ के वापस जाने वाले हैं, जो यूपी के किसान रह गए वो सिर्फ आंदोलन करेंगे, ऐसी खबर आ रही है। ये गोदी मीडिया प्रोपोगंडा कर रहा है, कोई किसान वापस नहीं जा रहा। ये हम लोगों को खाली प्रोपोगंडा करके आपस में दूर दूर करना चाह रहे हैं। ऐसा कोई किसान संगठन नहीं है जो आप जा रहे हैं। अच्छा, आने वाले कुछ दिनों में चुनाव ही है, 5 राज्यों में, देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मेन अहम जो भूमिका निभाते हैं चुनाव में, जो देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी चुनाव है। तो पंजाब में कुछ दिन पहले आपने देखा कांग्रेस में बहुत सारे अंतर्कलह हुई, CM ने पद कुर्सी छोड़ दिया, अमरिंदर सिंह ने छोड़ दिया, लेकिन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद कहीं न कहीं किसान आंदोलन कमजोर हुआ है। हमारा किसान संगठन जो है अराजनैतिक है, हमें राजनीति से कोई बात नहीं करनी है। बाकी हाँ, ये काम जरूर करेंगे जो काश्तकारों की बात करेगा, जो हमारी बात सुनेगा, हमारे अमूल्य अधिकारों की जो रक्षा करेगा, हम उसी को वोट करेंगे। भाजी, कौन करेगा? पिछले भी सरकारें थी, तब भी किसानों की बातें नहीं मानी गई, BJP सरकार आई, अब भी किसानों के हाल वही हैं। ये अभी हम आपको क्लियर नहीं कर सकते। हम लोग सब लोग बैठ के इस पे विचार करेंगे कि कौन हमारे लिए सही है, कौन खराब है, और उसी का चुनाव किया जाएगा।
बच्चे का आखिरी सवाल, मोदी सरकार पे इस पूरे कार्यकाल को आप मोदी सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन के दौरान जो भी किसान शहीद हुए उस पर मोदी जी का एक भी बयान नहीं आता है, इस मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी का पूरा कार्यकाल जो है ना इतना सांप्रदायिक रहा कि भाई को भाई से लड़ा दिया, संप्रदाय को संप्रदाय से लड़ा दिया, धर्म से धर्म से लड़ा दिया। इतनी बड़ी इन्होंने सांप्रदायिकता जो देश में फैला दी है, कभी मंदिर बना लिया कभी मंदिर गिरा दिया, और इन्होंने हमें ढांचों के साथ जोड़ दिया। हम भगवान के साथ जुड़ना चाह रहे थे, हम अल्लाह के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम वाहेगुरु के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम राम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, इन्होंने हमें ढांचों के साथ जोड़ दिया। इन्होंने सांप्रदायिकता फैला दी हमारे समाज में, अच्छा काम इन्होंने एक भी नहीं किया। आपने सांप्रदायिकता की बात की, आपने राम जी की बात की, आप यूपी से आते हैं, यूपी के शाहजहांपुर से आते हैं, वहाँ भी कुछ दिन पहले जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान था कि काशी और अयोध्या हो गया, इस बार अब की बार मथुरा की बारी है। ये तो सब प्रोपोगंडा है, एक बात मान लेते हैं, अगर मान भी लें, पहली बात उसका कोई परोक्ष में सबूत नहीं है कि मथुरा में मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई गई। अगर बनाई भी गई थी तो 4-5 साल से ये सो रहे हैं, 2 दफा इनका शासन आ गया, क्या इनको मंदिर मस्जिद का याद जब चुनाव आता तभी आती है? ये सांप्रदायिकता भड़का के भाई को भाई से लड़ा के संप्रदाय का एक फैला के वोट लेना इनका काम है, वो ही ये कार्य कर रहे हैं।